हेलो गाइस, आई हूं नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूं यूवी लैम्प और एलईडी लैम्प में क्या डिफरेंस होता है। सो बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास इससे रिलेटेड कि मैम यूवी एलईडी और यूवी लैम्प के बारे में डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाए। सो हियर इज आवर वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए आइए दिखाती हूँ। आज हम पांच इसे हिस्सों में डिवाइड किया है, पांच टॉपिक्स हम इसके उठाएंगे जिसके बेस पर हम इनके बारे में दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। सो सबसे पहले आता है हमारा वॉट की, कितने वॉट की होती है। सो गाइज, अगर हम सबसे पहले बात करें इनके वॉट के बारे में, सो यूवी लैम्प जो होती है वो होती है 36 वॉट की, जो कि काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी क्योर नहीं हो पाती हैं, जैसे कि मैट यूवी टोकोट या फिर अगर हम क्रोम वर्क करते हैं तो उसके लिए हमारी सोप और जेल पॉलिश इसमें वर्क नहीं करती हैं। और वहीं अगर हम एलईडी यूज़ करें, सो एलईडी जो होती है वो होती है 48 वॉट की, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट मोड पे क्योर हो जाती हैं। और ये जो है बहुत सारी चीज़ें जो कि लेटेस्ट टेक्निक में जो कि हम यूवी लैम्प में क्योर नहीं कर पाते हैं, वो हमारी एलईडी सारा वर्क कंप्लीट कर देती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा यूवी लैम्प और एलईडी लैम्प आखिर में है क्या। सो इनके बारे में मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कैसी है। सो गाइज, ये है हमारी एलईडी लैम्प और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है हमारी यूवी लैम्प। सो चलिए इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसे ओपन हमने करके रखा हुआ है और ये है हमारी यूवी लैम्प। इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखाती हूँ, यूवी लैम्प एक्चुअल में क्या होती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी वायर लगा दी है। सो ये जो ब्लू प्लेट है ये हमारी इस तरीके से निकल जाती है, और ये जो शीट है इसके ऊपर हम रिमूव कर देते हैं, ब्लू कलर की शीट होती है, फिल्म लगी होती है, और नीचे इसके सिल्वर फॉइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अंदर भी सिल्वर फॉइल है। और ये है हमारी लैम्प, जैसे कि ट्यूब्स लगी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं यूवी लैम्प। सो ये जो ट्यूब्स होती है ये वन बाय वन करके इस तरीके से निकल जाती हैं। और ये अगर हम इसकी बात करें ट्यूब्स की रिप्लेसमेंट की, अगर ये ख़राब हो जाए तो इतनी जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं होती है गाइस। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये इसके स्विचेस हैं, आप देख सकते हैं हमने ये ऑन किया और ये स्विच ऑन किया, तो जब हम इसमें हाथ रखते हैं इसमें कोई सेंसर्स नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई ये जल्दी से बंद नहीं होती है। तो ये इसकी पहचान है और ये इसकी ट्यूब्स की वजह से हम इसको यूवी लैम्प बोलते हैं। और अगर हम बात करें एलईडी की, तो ये एलईडी इस तरीके से आती है और ये इसके अंदर इसका अडॉप्टर दिया हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं, साइड्स में भी हैं, बैक में भी है, टॉप पर भी है। सो ये हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई गाइस इसे थोड़ी सी डर्टी हो रही है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और इसको जब हम ऑन करते हैं तो मैं आपको इसको ऑन करने का सिस्टम भी दिखा रहा हूँ। सो इसका हमने जो है स्विच ऑन कर दिया है, देखिए इसके अंदर जो है सेंसर्स हैं। सो जैसे ही मैंने हाथ रखा है इसमें तो इसके सारे के सारे आप एलईडी बल्ब्स देख सकते हो ऑन हो गए हैं, साइड्स के भी और टॉप के भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली हीट भी है इसमें जो कि जल्दी वर्क करती है। और जैसे ही हाथ निकालेंगे आप देख सकते हो बंद हो जाती है। और वहीं अगर हम एलईडी को इसमें दोनों में टेस्टिंग करें तो बट ऑब्वियस है कि सेंसर्स वाला सिस्टम एक्स्ट्रा हमारी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करता है, हमारे टाइम को वेस्ट नहीं करता है। सो थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक हमारा इकट्ठा चलेगा, क्योर कैपेसिटी और टाइमिंग के ऊपर, कि यूवी एलईडी लैम्प की क्योर कैपेसिटी क्या है और एलईडी लैम्प की कैपेसिटी क्या है, और ये कितना टाइम लेती है हर एक चीज को क्योर करने के लिए। सो गाइज, अगर हम बात करें टाइमिंग के बारे में, सो यूवी लैम्प जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों को क्योर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, नियर अबाउट 120 सेकेंड, दैट मीन्स 2 मिनट्स एटलीस्ट, क्योंकि इससे पहले ना ही जेल बिल्डर क्योर होता है और ना ही बेस क्योर होता है, और कलर में भी समटाइम्स ये जो है पैचेस अप्लाई कर देती है, तो जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट के नेल्स बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। अपर लेयर तो हमें लगता है कि प्रॉपरली क्योर हो गई है बट डीपली क्योर नहीं कर पाती है, और अगर डीपली क्योर करने की कोशिश भी करती है तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर देती है नेल्स पर, जिसकी वजह से क्लाइंट्स प्रॉपरली अपने हाथ इसमें रख ही नहीं पाते हैं।
और वहीं अगर हम टाइमिंग की बात करें एलईडी लैम्प की, सो एलईडी लैम्प जो है 90 सेकेंड्स में हमारे एवरी वर्क को क्योर कर देती है। टाइमिंग इसमें बाय डिफॉल्ट सेट होता है 120 सेकेंड का, पर 90 सेकेंड के बाद आप अपना हाथ इसमें से बाहर निकाल सकते हैं और अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक है प्राइजेस के बारे में, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि सस्ता क्यों ना लें हम, महंगा ही क्यों लें, बट एक कहावत है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए सिर्फ एक बार। सो अगर आप पैसा डालते हैं किसी चीज़ में, सो डेफिनेटली वो आपको जो है रिटर्न में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। सो डेफिनेटली मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ आप सस्ती चीज़ें लें। तो आज हम उसी के बारे में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊँगी प्राइजेस को लेकर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2012 से ऑलरेडी नेल्स कर रही हूँ। सो इट्स बीन अराउंड 9 ईयर्स आई एम वर्किंग एज अ नेल टेक्नीशियन, एज अ नेल ट्रेनर। सो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ प्राइजेस के बारे में, तो जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो यूवी लैम्प हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती थी, 5,000, 10,000, 15,000 की रेंज में। और जैसे जैसे टाइम बीता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, और जिसकी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी आते थे क्लाइंट को, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हमें कंप्लेंट करते थे कि उनकी स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है। सो दैट्स वाई उसकी वजह से कॉज ऑफ कैंसर भी, आप गूगल में अगर रीड करेंगे तो कॉज ऑफ कैंसर भी मानी जाती थी। बट मैं इसकी चीज़ के ऊपर 100% श्योर नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं आया। तो दैट्स वाई आई एम नॉट 100% श्योर कि दैट इसकी वजह से कैंसर होता है या नहीं होता है। बट अगर हाँ, ऑफकोर्स अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो एलईडी लैम्प जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें हाथ इसमें यूवी लैम्प में नहीं रखना पड़ता है एलईडी में, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन भी ब्लैक नहीं होती है। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए भी 100% सेफ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर हम बात करें प्राइजेस को लेकर, तो आज के टाइम में जो एलईडीज अगर आपको मिल रही हैं 1500 की रेंज में, तो दैट मीन्स इट्स नॉट गुड, डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। आप 10 क्लाइंट करोगे उसके बाद आपकी एलईडी जो है ख़राब हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी अच्छे प्राइजेस रेंज के बारे में, सो 5000 से स्टार्ट हो जाती है इसकी अच्छी वाली रेंज, जिसमें जो है आप 100 क्लाइंट भी अगर करें तो आपकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलती है और जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो अगर आप जानेंगे मेरे सजेशन के बारे में, सो मैं डेफिनेटली मेरा वोट जो है एलईडी के लिए है, क्योंकि वो आपकी टाइमिंग, स्पीड, प्राइजेस वाइज और प्रोडक्ट वाइज और बहुत सारी क्योर कैपेसिटी वाइज भी एलईडी हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट देती है। सो डेफिनेटली मेरा वोट जाता है एलईडी को। सो डेफिनेटली मैं भी यही रिकमेंड करूँगी गाइज कि आप एलईडी ही बाय करें। और अगर आप चाहते हैं इन सब प्रोडक्ट्स को बाय करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद बाय करी है और उसका आपको शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दी है। तो वो जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, जो कि मैं आपको लिंक में सजेस्ट कर रही हूँ। सो आप वहाँ पर जाके इसे बाय कर सकते हैं जल्दी से। सो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर गाइज आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ। सो ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।